हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे सेफटेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज मैं स्टॉक पे एनालिसिस करूंगा। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है कि जिस भी स्टॉक की एनालिसिस करूंगा ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ट्रेड करें। तो सबसे पहले एशियन पेंट्स, इंडियन बैंक और टाटा स्टील और यस बैंक, इन चारों स्टॉकों पर मैं स्टडी करूँगा। उससे पहले बहुत सारे, यस बैंक, टाटा स्टील, इंडियन बैंक, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर DVR, इन पे स्टडी करूँगा। तो जिन लोगों का एक क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड मैं ये शेयर कर रहा हूँ, और जिनका, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी ये व्यू मिल जाएगा। फिर भी अपनी एनालिसिस जरूर कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले इंडियन बैंक PSU बैंक का सबसे अच्छा स्टॉक है ये, और ये कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है। इसने अपने पुराने लो को टच नहीं किया है और लगातार ये नीचे के लेवल से 300 के आसपास का इसने बॉटम बनाया था अभी थोड़े देर इन पहले, लेकिन उस लो से बहुत ऊपर है और 293 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 50 DMA जो है 331 का। तो 330 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है और तब तक इस स्टॉक में तेजी ही बनी रहेगी, लेकिन ऊपर के रेंज में जो 350 360 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी नहीं आने वाला। तो इसलिए ये स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे का जो लेवल है 320 321 और ऊपर का जो रेंज है 350 360, इसी रेंज में ट्रेड होने वाला है। तो इसलिए इस दायरे से निकले तो ही एक बहुत बड़ी तेजी या मंदी देखी जाएगी। तो इस स्टॉक से टेक्निकली जिस तरीके से क्लोजिंग हुआ है, एक बार 331 332 तक आ सकता है, और इंट्राडे जो टारगेट है 326 27 का है, 326 27 के आसपास आए तो फिर वहां से बाउंस देखी जाएगी 10-12 रुपये की। तो वहाँ पे इंट्राडे के पर्पज़ से बाई किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अभी इसको अवॉइड करना है। इसका अभी मुझे इसमें कोई वैसा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी आएगी या मंदी भी आने का कोई चांसेस नहीं है। 290 295 के आसपास इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 290 का लेवल टूटेगा तो ये स्टॉक बहुत ही खराब हो जाएगा, और ऊपर का 400 का लेवल टूटेगा तो ही इसमें तेजी और आ सकती है। तो अभी 400 300 80 मैक्सिमम 380 और नीचे का 300 के आसपास के रेंज में ही रहने वाला है। तो जब भी 290 300 के आसपास आए तो वहाँ रिस्क लेकर के बाई किया जा सकता है, और 380 370 आए तो वहाँ पे सेलिंग देखी जा सकती है। तो इसी रेंज में रहने वाला है, और कल के सेशन में इसमें लो वॉल्यूम के साथ में गिरावट देखी गई है और शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है। तो 330 326 रुपये तक जाने के चांसेज है आज के सेशन में। फिर भी मार्केट ओपन होने के बेस पे ही ट्रेड करें। मींस अगर वोलेटिलिटी के बेस पे अगर देखा जाए तो इसकी जो वोलेटिलिटी है 337 का लेवल टूटे तो 333 रुपये 329 रुपये तक जा सकता है, और ऊपर का 342 का लेवल टूटे तो 349 रुपये तक जा सकता है। तो ये एक रेंज है इंडियन बैंक का। सॉरी, सेकेंड एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को अभी लॉन्ग करने के लिए भी सॉरी और शॉर्ट करने के लिए भी अवॉइड करें। इसमें एक तेजी बाकी है जिस कारण से इसमें गिरावट नहीं आ रही है। कल के सेशन में थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप देखा गया है, लेकिन ये शॉर्ट बिल्डअप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगा। 1280 1285 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1280 82 के आसपास आएगा तो फिर से इसमें बाउंस देखा जाएगा 1330 के आसपास, और उसके ऊपर भी जाने के चांसेस है। फिर भी इसको बाई नहीं करना है। इसका फाइनल टारगेट जो मुझे दिख रहा है लगभग 1330 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट होगा तो बहुत जल्दी एक टारगेट अचीव होगा ऊपर का रेंज 1340 1360 1370 का। वहाँ पे थोड़ा सा ठहरे तो इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अभी इस स्टॉक को अवॉइड करना है। इस स्टॉक का तेजी कंप्लीट होने वाला है, अभी तेजी के लास्ट फेज में है, लास्ट रेंज में है। इसलिए इस स्टॉक को मैं लगातार 1250 के आसपास से ही बोल रहा हूँ
कि इसमें एक तेजी बाकी है और वो तेजी कंप्लीट 1330 के आसपास और उसके ऊपर जाए, तो उस समय देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक में कब और कहाँ से गिरावट आएगी। तो वो स्टॉक इसको 1100 1150 रुपये तक लेके जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है, इसलिए अभी इसको अवॉइड करें बाई और सेल के लिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉक अच्छा है, टेक्निकल चार्ट पे एक तेजी बाकी है, उसके बाद इसमें ठहराव आ जाएगा एक एक डेढ़ साल के लिए, इसमें एक करेक्शन फेज में चला जाएगा, फिर भी अभी इसमें अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, इसको ट्रेड नहीं करना है। इंट्राडे के पर्पज से जिसको ट्रेड करना है तो सिंपल सा स्ट्रेटजी है, 1266 के आसपास आए तो बाई करें, 1317 के आसपास जाए तो सेल करें। तो ये एक टारगेट है, 1318 1315 रुपये का ऊपर का आज के लिए रेजिस्टेंस है। बाई चांस 1318-19 का लेवल टूटे तो 1326 1328 रुपये तक भी जा सकता है, और तो वहाँ पे 1328-29 के आसपास जाए तो शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, और नीचे 1366 पे आए तो बाई करें। तो इसलिए संभल के काम करना है इसमें। तो ये रहा हमारा एशियन पेंट्स पे व्यू। अब देखते हैं टाटा मोटर। टाटा मोटर डीवीआर, टाटा मोटर एक्चुअली आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अब लॉन्ग टर्म, फिर भी मैं अपने तरफ से स्टडी कर रहा हूँ। टाटा मोटर पे स्ट्रॉन्ग 270 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसी के आसपास 263 का 52 वीक लो बना करके ट्रेड कर रहा है। तीन मैंने पहले ही एनालिसिस किया हुआ, 320 रुपये के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा और फिर से स्टॉक दोबारा से 300 और 320 के बीच में ट्रेड होने लगे दो चार पांच बार, तो ही इसमें एक तेजी आएगी, तो हम इसको बाई करेंगे लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अभी इसका बॉटम बोलना मुश्किल है, फिर भी 300 270 के आसपास अगर कोई इन्वेस्टर है तो बाई करेगा। तो आईटीसी में जिस तरीके से पैटर्न डेवलप हो रहा है, बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों तक कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें भी वो पैटर्न बढ़ने के चांसेस है। तो ये स्टॉक अभी कहीं नहीं जाने वाला, 255 200 269 270 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है। हो सकता है 240 245 भी चला जाए, तो एक तरीके से अगर 245 अगर ये 270 का इसने बॉटम जो मैंने बोला था 310 320 के रेंज में ही मैंने बोला था कि 270 के आसपास का ये बॉटम बनाएगा, तो यहीं से ब्रेकआउट होने वाला है। मीन्स जब भी ब्रेकआउट होगा तो इसी लेवल से ब्रेकआउट होगा, उसके लिए इसको 30 रुपया और नीचे जाना पड़ेगा। तो 240 के आसपास 250 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो बाउंस प्ले कर सकते हैं, मींस वहां से जल्दी से तेजी आएगी, तो 280 285 270 रुपये तक लेके आ सकता है। अभी इस लेवल पे बिल्कुल भी बाई नहीं करना है और इसको शॉर्ट भी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से खरीदना है, तो आपका पैसा यहाँ में भी सेफ हो जाए। मीन्स 200 जिसे आईटीसी में लोगों ने पैसा लूज नहीं किया है, अगले एक साल 6 महीने में जिन्होंने इन्वेस्ट किया लूज नहीं किया, लेकिन पैसा बनाया भी नहीं है। लेकिन इस तरीके के मार्केट में जो गिरावट, हर स्टॉक में तेजी से गिरावट देखी जा रही है, उस सिनारियों में ऐसे स्टॉकों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनेगा नहीं लेकिन लॉस भी नहीं होगा। तो ऐसे स्टॉकों को अगर आपको बाई करना है तो ये सोच के करें कि स्टॉक में एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करें, लाइक कोल इंडिया, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर, ये सारे एक टाइप के स्टॉक हैं। इनमें आप एक तरीके से निचले लेवल बाई करें, 20-30 रुपए का राइज पे सेल कर दें। तो इस पर्पज से अगर आप इंटर करते हैं तो लेवल टाटा मोटर के लिए 250 के आसपास आता है, तो इसको बाई करें 270 और 280 के टारगेट के लिए। फिर से नीचे ऊपर करेगा, जिस तरीके से आईटीसी का बिहेवियर है वैसे ही इसका भी बिहेवियर होने वाला है। सेम सेम व्यू टाटा मोटर डीवीआर पे होगा। टाटा मोटर डीवीआर का क्या रेट है, एक मिनट। वैसे टाटा आज का जो रेंज है इसका 260 का है और ऊपर का 280 का रेंज है, ऑर्बिट एंगल के हिसाब से जो रेंज है 281 का ऊपर का रेंज है, नीचे 258 का है। इस रेंज पे आए तो बाई कर सकते हैं, इस रेंज पे आए 281 के आसपास तो सेल कर सकते हैं। सेम टाटा मोटर डीवीआर का जो लेवल है 157 के आसपास, तो 184 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 175 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें तेजी देखी जाएगी, वरना उसी के तरीके से सेम
बिहेवियर है, अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है, RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है, तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेज हैं। 144 रुपये के आसपास इसका बॉटम बन सकता है, 144 रुपये के आसपास आए तो इसे स्टॉक को देखा जा सकता है बाई के लिए। अभी 52 वीक लो के आसपास है तो 144 के आसपास इसको बाई करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन सेफ साइड रहेगा, पैसा लूज नहीं होगा लेकिन पैसा बनेगा नहीं, ट्रेडिंग करें इसमें 20 रुपये 10 रुपये का तेजी पे निकल भी जाए। तो ये रहा हमारा टाटा मोटर, टाटा और चौथा पांचवा स्टॉक जो है टाटा स्टील। टाटा स्टील भी रेंज में फंसा हुआ है, टाटा स्टील को अक्टूबर के बॉटम में ही खरीदें, और मेटल शेयर में जो मैंने बोला था कि जून जुलाई के लास्ट सीरीज में, जून जुलाई के फर्स्ट वीक तक की जो गिरावट देखी देखी जाएगी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी टाटा मेटल सेक्टर में। तो मेटल सेक्टर में कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं, टाटा मोटर में थोड़ी सी तेजी, टाटा स्टील में तेजी देखी जा रही है, टाटा स्टील की तेजी यहाँ से फिर से 572 के हाई से ही गिरा फॉल किया है, तो आज का जो लेवल है इसका 2555 तक आ सकता है, ऊपर 582 के आसपास जा सकता है, तो 582 583 के आसपास जाए तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखें, और 555 के आसपास आए तो शॉर्ट को कवर कर ले इसको। इसमें अभी अभी इसमें उतनी बड़ी तेजी नहीं आएगी, ये 585 और 535 के रेंज में फंसा हुआ है, जिधर भी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा उस तरफ बहुत तेजी से रिट्राई मूव करेगा। तो इसलिए टाटा स्टील भी सेम सेगमेंट का स्टॉक हो चुका है, इसका एक बॉटम एज फॉर माई लॉन्ग टर्म एनालिसिस, या तो 620 के ऊपर और निफ्टी का ब्रेकआउट हो जाए तो ही हम इसको बाई करेंगे, वरना 480 490 के आसपास इस स्टॉक का बॉटम बन सकता है, वहां पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक निफ्टी का बॉटम नहीं बनेगा तब तक इस स्टॉक में तेजी नहीं आएगी, इसलिए ऐसे स्टॉकों को अवॉइड करें। अभी बिल्कुल भी बाई करने वाला अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, मैं जिन स्टॉकों पे व्यू दे रहा हूँ उनको स्टडी करें, बहुत सारे मैंने कल भी एनालिसिस किया था, इंडिया सीमेंट, PFC, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे GSFC, ऐसे स्टॉकों पे वॉच करें, ना कि ऐसे स्टॉकों पे जिसका बॉटम बनना बाकी, उनमें भी बॉटम बन रहा है, नीचे के लेवल पे आ रहे हैं, फिर भी ये स्टॉक में लास्ट में जो गिरावट देखी जाएगी इनमें भारी गिरावट देखी जा सकती है, इसलिए मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। हो सकता है वो स्टॉक 20-20% ऊपर मिले, जो भी स्मॉल कैप मिड कैप में पहले से करेक्शन चल रहा है तो उसमें पहले बॉटम बने। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस स्टॉक पे चर्चा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।